भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी यार। इनको मैं जान नहीं दे रहा भैया, कसम से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, कसम से बहुत बड़ा फैन हूं। चलोगे और इश्तियाक जी मैं पहले वाला इश्तियाक नहीं, लौंडे मुझे रोक पाए इनकी बस की बात है, अपनी औकात दिखा दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B6K व्लॉग। जैसे कि आपको पता होगा, इश्तियाक जी और एम ए शेख आमिर भाई के साथ वीडियो बनाते थे। सुनने में आ रहा था काफी दिनों से इश्तियाक जी और एम ए शेख को आमिर भाई ने घर से निकाल दिया, और गाइस कल एम ए शेख हमें किसी बंदे की बाइक के पीछे बैठा हुआ दिखाया। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। शेख ने किसी बंदे का गाली दे रहा था, काफी ऑडियंस बोलने के बाद ये वाली हमने जो क्लिप निकाली है, इस क्लिप के ना एक लाइक तो बनता है। आपको पता होगा इश्तियाक जी भी कई दिनों से ना आमिर माजिद के व्लॉग में नहीं दिख रहा है। इश्तियाक जी, एम एस शेख एंड आमिर माजिद के बीच में कुछ ना कुछ अनबन हुई है। एम एस शेख पता नहीं ऐसे मतलब कहीं में भी सड़क में चल रहा था, ऐसे गाली दे रहा है, पता नहीं किस किस को गाली दी होगी इसने। आमिर भाई जम्मू के जो काफी मोटो व्लॉगर है उनके साथ हेट करते हैं, इश्तियाक जी ने उन काफी मोटो व्लॉगर के साथ कोलैब कर लिया। सामने स्क्रीन पे आ रहा है फोटो देखो। एंड गाइस ये चीजें देखने के बाद हमें पूरा प्रूफ हो चुका है इश्तियाक जी, आमिर माजिद और एम एस शेख अब बीच में नहीं रहे। इश्तियाक जी एक स्ट्राइक निकालने वाले हैं बहुत जल्द आमिर माजिद के ऊपर। इश्तियाक डायरेक्टली उनको बोल रहा, भाई मैं सारे तेरे राज जानता हूँ, तेरे कैमरे के पीछे की सच्चाई जानता हूँ, मैं चुप हूँ क्योंकि तुझे भाई मानता हूँ। आमिर भाई अगर आपके साथ कोई हो ना हो, आपकी ड्रैगन आर्म और हम दो बंदे आपके हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इश्तियाक जी ने गाइस आमिर भाई के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए आमिर भाई ने निकाला होगा। क्योंकि आमिर भाई आपको पता गाइस के बहुत ही अच्छे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हर जो भी ड्रैगन आर्म का बंदा मिलता ना यार, तो गले लगा के मिल लेते हैं यार उनसे। अगर आप बात करें इश्तियाक जी के बारे में, सुबह आपको पता होगा कि पिछली बार रजौरी पुंछ में एक मीटअप हुआ था जिसमें इश्तियाक जी को आमिर भाई साथ लेके आए थे। आपको ये सामने पिक्स नजर आ रही होंगी जिसमें मैं खुद इश्तियाक जी से मिला था, ये भी मिला था आमिर भाई से मिला था। आप एक गाना सुना दो प्लीज मेरे ऑडियंस को, ड्रीम कर। और इश्तियाक जी मैं पहले वाला इश्तियाक नहीं, लौंडे मुझे रोक पाए इनकी बस की बात है, अमीर मेरा भाई देख खड़ा मेरे साथ, अपनी औकात दिखा दी। बीट ब्रो मुंडा का पूरा शिट ब्रो, और वाले गाने से ताकि ब्रो इतना तो जल्दी शिट ब्रो। ये इश्तियाक जी यार इनको मैं जान नहीं दे रहा भैया, कसम से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, कसम से बहुत बड़ा फैन हूं। चलोगे कब आओगे वापस? श्रीनगर से होके आएंगे, श्रीनगर से वापस। अगर आप इश्तियाक जी का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो जो आमिर माजी के जो पिक्स खिंचाई थी इन्होंने वो सारी डिलीट कर दी गई है। इश्तियाक जी ने बोला कि आमिर भाई ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की है। बाकी ये तो यार बिल्कुल गलत, मतलब ये तो बिल्कुल गलत इंजाम लगाने की बात हुई है। कहा यार आमिर भाई इतना बड़ा इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे 500K खुद के इतने हो रहे और 60,000 वाला अकाउंट का बताओ क्या करेंगे। एक ही बात बता देता हूँ गाइस, इश्तियाक जी और आमिर भाई के बारे में ये फेक न्यूज फैलाना बंद कर दो। ये जो लोग बोल रहे हैं कि इश्तियाक जी को आमिर भाई ने निकाल दिया, ये बस सुनने में आ रहा है, जब तक आमिर भाई खुद नहीं बोल देते। पहले गाइस आपको पता होगा आयरा थोड़े दिन के लिए कहीं गई हुई थी, तो लोगों ने न्यूज बना दी के ब्रेकअप हो गया, लेकिन ब्रेकअप हुआ नहीं था। मतलब लोग यार क्या थोड़े लोग इतनी सी बात लेकर ना इतना बड़ा मतलब हंगामा कर लेते भाई। अब इश्तियाक जी मुझे लगता है अपने गांव गए हुए हैं, लोग ने फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि इश्तियाक जी को निकाल दिया, एम एस शेख को निकाल दिया। इश्तियाक जी ने उनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकालने वाले, अब उसी डिस्ट्रैक्ट में पता चलेगा कि भाई कैमरे के पीछे कैसे आमिर भाई है, कैमरे के फ्रंट में कैसे आमिर भाई। बाकी कमेंट करके बताना कि आप आमिर माजिद के फैन हो, एम एस शेख या इश्तियाक जी के फैन हो। भाई हम तो यार आमिर माजिद के बहुत बड़े अनकटर फैन है, आप देखते जाते कमेंट किसके आते हैं। और गाइज अगर आपको ऐसी अपडेट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत माता की जय।